भाभी ये देखो क्या है। क्या है देवर जी ये? अरे भाभी ये ना भूत का मास्क है। तो इसका अपन क्या करेंगे? अरे मेरी भोली भाभी, इसको पहन के हम भैया को डरा देंगे, फिर वो बेहोश हो जाएंगे। उससे क्या होगा देवर जी? अरे भाभी आप भी ना सारे भारत की बीवियों की नाक कटवा दोगी। आपको इतना भी नहीं पता कि पतियों के बेहोश होने के बाद क्या करते हैं? अरे उनके पैसे चुराते हैं। हां देवर जी जल्दी से बेहोश करो तुम्हारे भैया को। हां भाभी। देवर जी लगता है तुम्हारे भैया आ गए। ए ये कौन थी? ये तो मकान मालिक की लड़की है। भाभी भैया के आने से पहले इसको ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। चलो चलो। ए जी क्या हुआ? आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। अरे पता नहीं वो मकान मालिक की लड़की कहाँ गायब हो गई। उसके पापा और मैं उसको 3 घंटे से ढूंढ रहे हैं। मैं थाने जा रहा हूँ उसकी रिपोर्ट लिखाने। तुम दोनों संभाल कर रहना। किससे संभाल कर रहना देवर जी? पुलिस से या तुम्हारे भैया से? 1 मिनट, कहीं तुम लोग को पता तो नहीं वो कहाँ है? हाँ नहीं नहीं। हाँ नहीं नहीं सच बता दो वो कहाँ है, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। हाँ बताते, वो पीछे ही है। पीछे? क्या किया तुमने इसके साथ? जी हमें तुम्हें बेहोश करना था, पर गलती से ये हो गई। क्यों? वो पैसे चुराने के लिए। अरे ऐसी शैतानी आइडिया कहाँ से आती तुम्हारे दिमाग में? वो देवर जी से। भाभी क्या करूँ मैं मेरे इस परिवार का।